प्रभु के दिन की बात करते हैं तो साहब कोई कहता है प्रभु का दिन सैटरडे है, कोई कहता है संडे है, कोई कहता है ये है। बाबी साहब ने जो ये बात कही है कि प्रभु का दिन जो है ये सा, ये कैसे हो गया? मैं अगर शॉर्ट वीडियो बनाकर और अपने शॉर्ट बातों में ही ये वचन को एक्सप्लेन कर दूँ तो ना मैं आपके साथ इंसाफ कर पाऊंगा और ना मैं परमेश्वर के वचन के साथ इंसाफ कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे भाग में है सात कलीसियाओं के नाम पत्र। जी हाँ, और पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसके नौ पद से, और नौ पद से हमने बहुत सी चीज़ें जो है यूहन्ना के परिचय के बारे में, यीशु मसीह की गवाही के बारे में, उसके वचन के बारे में और उसके धीरज के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके दस पद में। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके दस पद में, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्री का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा पद है, बहुत मामूली सा पद है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का बड़ा सा शब्द सुना। देखिए यहां पर दो भाग जो हैं, यहां पर वैसे तीन भाग है, तो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। ये हम जब ग्यारहवां पद एक्सप्लेन करेंगे तब उसके अंदर लेंगे, क्योंकि ये जो बात है ये ग्यारहवां पद से मिली हुई बात है। हम यहां पर सिर्फ दो भाग के विषय में बात करेंगे, पहला प्रभु का दिन और दूसरा आत्मा में आ गया। अब आप कहेंगे कि प्रभु का दिन और आत्मा में आ गया बहुत छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, आपको लगता है। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जानने के बारे में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक बात। और प्रकाशित वाक्य को बहुत जल्दी जानने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की एक एक शब्द में, एक एक पद में, एक एक लाइन में इतनी गहरी बातें छुपी हुई हैं जिसका वर्णन जो है बहुत अपरंपार है। प्रभु इसलिए हमने नवे पद में क्या पढ़ा था कि धीरज को अपना काम करने दो। बड़े धीरज के साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना है, बड़े धीरज के साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना है, बड़ी धीरज के साथ प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का वर्णन सुनना है और सुनाना है। ठीक है, अगर हम सब बातें जल्दी कर देंगे तो हम कभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ नहीं पाएंगे। अब जैसा यहां पर दो पद मैंने कहे कि प्रभु का दिन और आत्मा में आ गया, ठीक है, प्रभु का दिन क्या है? सबसे पहली बात, जब हम प्रभु के दिन की बात करते हैं तो क्या होता है, हम व्यवस्था की बात करते हैं। ये तो प्रभु के दिन की बात है, अभी मैं प्रभु के दिन को पहला पॉइंट लूंगा, मगर आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया, आप कहोगे पवित्र आत्मा में आ गया। अब पवित्र आत्मा में आ गया, जब पेंतिकॉस के दिन जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, चेलों पर उतरा, तो यूहन्ना क्या उस उनके बीच में नहीं था? यूहन्ना भी उनके बीच में था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर भी उतरा, आत्मा में तो वो उसी दिन आ गया था। फिर 95 एडी में आकर, क्योंकि यूहन्ना जो है 31 एडी में उतरा, ध्यान करिएगा, और ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया है ये 95 एडी में लिखा गया, यानी 95 एडी में इस बात को कह रहा है कि मैं आत्मा में आ गया। ये अद्भुत बात है, इसके रहस्य को जानेंगे, मगर उससे पहले जानेंगे प्रभु के दिन के बारे में। जब हम प्रभु के दिन की बात करते हैं तो साहब कोई कहता है प्रभु का दिन सैटरडे है, कोई कहता है संडे है, कोई कहता है ये है, तो इसके प्रभु के दिन के मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रभु के दिन के ही सात भाग हैं और आत्मा में आ गया इसको मिलाकर आठ भाग है। अब आप कहोगे ये तो बड़ा लंबा हो रहा है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये लंबा हो रहा है, मगर जब यदि आप प्रभु के दिन को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का दिन है कौन सा, अगर मैं सीधे सीधे आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे जो बहुत से भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं या जो इस वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बड़ी रुचिकर पूर्वक सुनते हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, यार पादी साहब ने जो ये बात कही है कि प्रभु का दिन जो है ये सा, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मैं अगर शॉर्ट वीडियो बनाकर और अपने शॉर्ट बातों में ही ये वचन को एक्सप्लेन कर दूं तो ना मैं आपके साथ इंसाफ कर पाऊंगा और ना मैं परमेश्वर के वचन के साथ इंसाफ कर पाऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रभु के दिन के जो भाग बनाए हैं वो किस प्रकार से हैं। पहले मैं उन भागों को पढ़ देना चाहता हूं, प्रभु का दिन कौन सा है पहला, फिर है दूसरा क्या व्यवस्था खत्म हो गई, तीसरा व्यवस्था कितनी है, चौथा
परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है, पांचवा 10 आज्ञाओं की विशेषता क्या है, और छठा 2 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने दी, 2 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था का आधार है, चौथी आज्ञा की विशेषता क्या है, और आठवां जो होगा आत्मा में आ गया, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम देखेंगे कि प्रभु का दिन कौन सा है। सबसे पहली बात है कि प्रभु का दिन कौन सा है, इस पॉइंट को जरा हम लोग जो है क्लियर करेंगे कि प्रभु का दिन जो है वो कौन सा है। मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ाना चाहूंगा जो खुद पढ़ दूंगा, हो सकता है वो पद मैं पूरे पूरे ना पढ़ूं या उसमें मेन पॉइंट पढ़ूं या कुछ पूरे पूरे भी हो सकते हैं, मगर जो भी हो उस पद से ये क्लियर होगा कि सातवां दिन जो है, सॉरी प्रभु का दिन जो है वो कौन सा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सातवें दिन की बात होगी। निर्गमन 16:26 पर, निर्गमन 16:26 में लिखा, परंतु सातवां दिन तो विश्राम का दिन है। देखिए क्या लिखा, सातवां दिन तो विश्राम का दिन है, यहाँ प्रभु के दिन की बात हो रही है। ठीक है, मैं इसलिए केवल पॉइंट वाली बात पढ़ रहा हूं ताकि ज्यादा लंबा ना हो सके। निर्गमन 20:10 पद में लिखा, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। कौन सा दिन परमेश्वर यहोवा के लिए है? सातवां दिन जो है विश्राम दिन है। फिर है निर्गमन 31:15 पद में लिखा है, सातवां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सातवां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए यानी परमेश्वर के लिए पवित्र है। निर्गमन 35:2 में लिखा, सातवां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन है। ध्यान दीजिएगा, ये सातवें दिन की बात हो रही है। और लय व्यवस्था 23:3 में लिखा है, सातवां दिन परम विश्राम का दिन और पवित्र सभा का दिन है, पवित्र सभा का दिन है। व्यवस्था विवरण 5:14 पद में लिखा है, सातवां दिन तेरे परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। देखिए यहां लिखा है यहोवा के लिए, यहां लिखा है परमेश्वर के लिए, तेरे परमेश्वर के लिए जो है सातवां दिन जो है परम विश्राम का यानी विश्राम का दिन जो है वह है, और वो कौन सा है? सातवां दिन। जी हाँ, ये सातवां दिन जो है प्रभु का दिन कौन सा है यानी सातवां दिन, बिल्कुल साफ यहां पर देखिए वचन से बता रहा हूं, वचन से बाहर नहीं बात कर रहा हूं मैं, और इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि सातवां दिन जो है वो किस तरीके से है। तो वो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको 7 चीजें गिनाई है ना, प्रभु के दिन के 7 जो पॉइंट गिनाए हैं, 7 भागों में हम बात करेंगे, 7 जो भाग है उसमें बात करेंगे, उसमें सीखेंगे कि सातवां दिन किस तरीके से, ताकि परफेक्ट आपको ये पता हो जाए कि हाँ यही परमेश्वर का दिन है और इसको छोड़ो और कोई परमेश्वर का दिन नहीं है। ठीक है, सातवां दिन जो है बहुत से लोग संडे मानते हैं, बहुत से लोग सैटरडे मानते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं, इसको भी जो है क्लियर करते हुए चलते हैं। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप घर में बैठ के बहुत आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है मती 28:1 पद, यहां लिखा सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फट्टे ही मरियम मग्दलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। जब प्रभु यीशु मसीह मर गया था वो तीसरे दिन जो जी उठा था, तो यहां लिखा सबत के दिन के बाद, ध्यान दीजिएगा सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन मरियम जो है मरियम मग्दलीनी और दूसरी मरियम जो है वो कब्र पर गई। पहले मैं आपके लिए रेफरेंस पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मरकुस 16:1-2 पद में लिखा है, और जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मग्दलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। ठीक है, अब लूका 24:1 में है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। अब यूहन्ना 20:1, सप्ताह के पहले दिन मरियम मग्दलीनी भोर को अंधेरा रहती कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ठीक है, अब इन पदों को जब आपने देखा, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन जब वो कब्र पर आई तो कब्र पे से पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी, कब्र खुली हुई मिली। कौन से दिन? सप्ताह के पहले दिन। जब सप्ताह के पहले दिन कब्र खुली हुई थी तो यीशु मसीह जी उठा। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा इसका मतलब है कि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। जी हाँ, सप्ताह के पहले दिन, ये परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सप्ताह के पहले दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो इसका सीधा सा अर्थ है
कि आप संडे जो है वो सप्ताह का पहला दिन है। अब आप कहोगे कि संडे कैसे है भाई सप्ताह का पहला दिन, भाई सीधी सी बात है, आप लोग ईस्टर कौन से दिन मनाते हैं, किस दिन ईस्टर मनाया जाता है? पूरे संसार के अंदर ईस्टर जो है यानी प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने का दिन है वो कब मनाया जाता है? वो संडे को मनाया जाता है। क्यों आप संडे को मनाते हैं उसके जी उठने का दिन? इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो सप्ताह का पहला दिन है, और जब संडे सप्ताह का पहला दिन है तो संडे से आप जोड़ लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे क्या हो गया? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सैटरडे जो है वो कौन सा दिन हो गया? वो सातवां दिन हो गया, सातवां दिन। अगर संडे पहला दिन, क्योंकि संडे वाले दिन जो है प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, मरकुस 16 और उसका 9 पद, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वे जी उठकर पहले पहल मरियम मग्दलीनी को जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। देखिए कब दिखाई दिया? सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वे जी उठकर, अब यहां प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही, वो जी उठकर किसको दिखाई दिया? उस मरियम को, मरियम मग्दलीनी को, जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। कब? सप्ताह के पहले दिन है, भोर होते ही वो जी उठा और उठकर सबसे पहले मरियम मग्दलीनी को दिखाई दिया। यानी यीशु मसीह जो है सप्ताह के पहले दिन जो है वो जी उठा, सप्ताह का पहला दिन यानी संडे को जी उठा। अब संडे जब जी उठा, जब हमने पुराने नियम में जब पढ़ा कि सातवां दिन जो है वो प्रभु का दिन है, सातवां दिन जो है वो यहोवा का परम विश्राम का दिन है, परम पवित्र क्या हुआ दिन है, परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया दिन है, और लिखा है कि सातवां दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है, यहोवा का दिन है, वो पवित्र सभा का दिन है। तो जब ये सारी बातें हैं तो सातवां दिन कौन सा हो गया? सैटरडे। तो सीधी सी बात है, तो सैटरडे जो है जो सातवां दिन है वो किसका दिन है? वो प्रभु का दिन है। अब बात यहां पर अभी खत्म नहीं होती है, अगर हम बात यहीं पे आके खत्म कर देंगे तो फिर लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब कौन सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि सब सैटरडे जो है, जब क्योंकि सातवें दिन की जब बात आती है तो सबत की बात आती है कि सातवां दिन जो है सबत का दिन है, लिखा ना सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, तो सबत का दिन है वो तो, और जब वो सबत का दिन है तो वो व्यवस्था में आता है, और व्यवस्था जो है वो यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दी, व्यवस्था जो है वो अब यीशु मसीह ने पूरी कर दी, व्यवस्था जो है वो तो सब व्यवस्था की बातें हैं। तो इसलिए सातवां दिन जो है हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो है वो प्रभु का दिन है, प्रभु जो संडे है वो प्रभु का दिन हो गया। मगर आप एक बात, जब आप पूरी बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, खासतौर से न्यू टेस्टमेंट को जब आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि संडे जो है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसने उस दिन को पवित्र किया और उस दिन उसने उसको आराधना का दिन घोषित किया या अपना दिन उसने उसको कहा है, कहीं पर भी नहीं लिखेगा। देखिए बात अभी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी हमें और कुछ और भी बहुत सी बातें सीखनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप इस वीडियो में बने रहेंगे, जब आप उसको सीखते रहेंगे, क्योंकि दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा, क्या व्यवस्था खत्म हो गई? क्योंकि ये प्रभु का दिन जो है, अगर मैं यहीं पे खत्म कर देता कि प्रभु का दिन जो है वो सातवां दिन है, तब भी लोगों में कंफ्यूजन होती, अरे ये तो व्यवस्था में है, व्यवस्था तो खत्म हो गई, व्यवस्था तो यहूदियों को मिली है और इसराइलियों के पास व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जो हैं अब अनुग्रह के लोग हैं और अनुग्रह की व्यवस्था के अधीन हैं, अनुग्रह के अधीन हैं, अनुग्रह के द्वारा जो है वो हमारा क्या कहते हैं उद्धार हुआ है, और ये सारी बातें जो है वो दिमाग के अंदर आएंगी। अब जब ये सारी बातें दिमाग के अंदर आएंगी तो मेरे भाई, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आप ये समझे, जहां यूहन्ना ये कह रहा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, तो वो प्रभु का दिन किसको समझे हम? भाई वचन के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वचन के अनुसार प्रभु का जो दिन है वो सातवां दिन है और वो सैटरडे को दर्शाया गया है, और अगर हम संडे को मानेंगे तो प्रभु का दिन जो है वो संडे को नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं, एक चीज और यहां पर बता के लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि पेंतिकॉस के दिन जो था वो पवित्र आत्मा उतरा, पेंतिकॉस का दिन, ठीक है, पेंतिकॉस का दिन को वो बोलते हैं पचासवां दिन, पचासवां दिन का मतलब होता है यानी पचासवां दिन जो आता है वो संडे का दिन आता है। जब आप पेंतिकॉस के दिन की बात करेंगे
तो वहां पर जो है, जब आप पुराने नियम में जाएंगे, पेंतिकॉस का दिन कब फॉलो करेंगे आप, पेंतिकॉस का दिन कब मनाएंगे आप? पेंतिकॉस का दिन ये नहीं है कि आप गए और कूद के 50वें पे पहुंच गए, नहीं। पेंतिकॉस का दिन कब मनाएंगे? जब तक आप 7 सबत को पूरा नहीं कर लेंगे। जब आप 7 सबत को पूरा कर लेंगे, 7 सबत का मतलब होता है 7 × 7 = 49, 49 के बाद जो 50वां आता है वो पेंतिकॉस का दिन होता है, और वो वर्ष में एक बार होता है, पूरे हर हफ्ते नहीं होता है वो। और प्रभु यीशु मसीह भी वर्ष में एक बार जी उठा, हर हफ्ते हर संडे को जी नहीं उठा कि आप हर संडे को जी उठा, हर संडे आप उसके जी उठने को दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या पेंतिकॉस का दिन हर संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप 7 सबत नहीं मना लेंगे, यानी 7 सबत का मतलब 7 विश्राम दिन को फॉलो नहीं कर लेंगे, तब तक आप पेंतिकॉस का दिन मना नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ये समझे कि पेंतिकॉस का दिन है क्या। ठीक है, संडे है, हम भी मानते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन यानी संडे को जी उठा, मैं भी इस बात को मानता हूँ, बिल्कुल। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं और ना इसके विरुद्ध में कोई बात कह रहा हूं, मगर आप कोई भी काम करेंगे सिस्टम में तो करेंगे, आप सिस्टम से तो करेंगे। ठीक है, आप जिस दिन पैदा हुए, मैं फरवरी 2 को पैदा हुआ, तो मैं हर 2 तारीख को तो अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, साल में एक ही बार तो फरवरी 2 आती है, तो उस दिन मनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वर्ष में एक बार जी उठा, तो एक ही बार तो आप सेलिब्रेट करेंगे या हर हफ्ते सेलिब्रेट करेंगे। पेंतिकॉस का दिन जो है 50वां दिन, वो एक बार मनाया जाता था, वो भी 7 सबत को पूरा करने के बाद। जब तक आप 7 सबत को पूरा नहीं करेंगे, आप पेंतिकॉस का दिन मना ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि 7वां दिन जो है किस तरीके से आता है, और आगे देखेंगे क्या व्यवस्था पूरी हो गई, क्या व्यवस्था खत्म हो गई, व्यवस्थाएं कितनी हैं। जो मैंने आपको 7 पॉइंट दिए ना, बहुत आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको एक एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, आपके दिमाग में बैठेगा, आप कहोगे हाँ आज हमें कुछ मिला है इन 7 पॉइंटों के द्वारा। देखिए बहुत छोटा सा पद है कि प्रभु का दिन, मगर प्रभु का दिन जो है बहुत गहराई है इसके अंदर। इस गहराई को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक प्रभु के वचन से इंसाफ नहीं करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन।